बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसे नबी जिन्हें एक मछली ने निगल लिया था, आपसे ऐसी कौन सी खता हुई और आप 40 दिन तक मछली के पेट में कैसे ज़िंदा रहे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे और वो हर वक्त लोगों की बेहतरी के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अपना रसूल चुन लिया और उन्हें नैनवा शहर के सरकश लोगों की हिदायत के लिए वहाँ जाने का हुक्म दिया। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और तमर्रुद की वजह से अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलाम को झुठलाया और ईमान लाने से इनकार किया। जब भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन लोगों को समझाते, वो लोग उनकी बात ना सुनते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इनको बार बार समझाया कि बुरे काम छोड़कर नेक काम करो और अल्लाह ताला के अजाब से डरो, लेकिन इन नाफरमानों ने अपने तरीके ना बदले तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे बिल्कुल ही मायूस हो गए थे। उन्होंने ना उम्मीद होकर इन लोगों के लिए अजाब की बद्दुआ की और दिल शिकस्ता समंदर की तरफ चल पड़े। वहाँ एक कश्ती सफ़र के लिए तैयार खड़ी थी, आप कश्ती में सवार हो गए। कश्ती रवाना हुई तो शदीद तूफान आ गया और कश्ती डूबने लगी। कश्ती वाले ने कहा कि ज़रूर कोई मुसाफिर अपने मालिक से भाग कर आया है। जब कोई ना बोला तो उसने कहा कि सब मुसाफिरों के नाम की पर्ची निकालो और जिसका नाम निकले उसको बाहर फेंक दो, वरना सब डूब जाओगे। 3 दफ़ा कुरानदाजी में बार बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो आपने सोचा कि मैं भी अल्लाह पाक के हुक्म के बग़ैर नैनवा बस्ती छोड़कर निकल आया हूँ। ये सोचकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर में छलांग लगा दी। उसी वक्त एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया और वो इस मछली के पेट में पहुंच गए और मछली के पेट में जहां बिल्कुल अंधेरा था, आप इस हालत में भी इस आयत का व्रत करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। आपने इस आयत का वजीफ़ा करना शुरू कर दिया तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निहायत कमज़ोर और लागर हो चुके थे। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फलदार पेड़ से इनको ग़िज़ा और साया मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में ताकत आने लगी। अल्लाह ताला ने इन्हें वापस नैनवा जाने का हुक्म दिया। जब आप नैनवा पहुँचे तो वहाँ के लोग आपकी पुरअसरार तालीमात की वजह से अल्लाह ताला पर ईमान ला चुके थे, जिस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इन्हें अल्लाह के दीन की तालीम देने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इम्तिहान में फंस कर सब्र इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ते और ये बलाओं के तूफ़ान में भी खुदा की याद से गाफिल नहीं होते तो अल्लाह ताला अपने बंदों की गैब से ऐसे इंतज़ाम फरमा देता है कि कोई इसको सोच भी नहीं सकता। गौर कीजिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कश्ती वालों ने समंदर में फेंक दिया तो उनकी ज़िंदगी और सलामती का कौन सा ज़रिया बाकी रह गया था। फिर मछली ने निगल लिया तो अब भला इनका कौन सा सहारा रह गया था। मगर इस हालत में आपने जब आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में भी ज़िंदा और सलामत रखा और मछली के पेट से इन्हें एक मैदान में पहुंचा दिया और फिर इन्हें तंदुरुस्ती और सलामती के साथ उनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया और इनकी तबलीग की बदौलत 1,00,000 से ज़्यादा आदमियों को हिदायत मिल गई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद ऐसी मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल वाकिया प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब की तमाम जायज़ दिली हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। शुक्रिया।